नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जून महीने के अंदर ऐसे कौन से तीन कार्य हैं जो हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर 100% कर लेने चाहिए। यदि इन तीन कार्यों में अब हम जून के बाद में करना इन कामों को चाहेंगे तो इनसे सिर्फ हमें नुकसान देखने को मिलेगा, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो तीन कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में एक संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे लगातार ये वीडियो बना करके दी जा रही है, रोजाना लगभग एक वीडियो आती है, तो कीटनाशक का उपयोग मान लीजिए आज आपने अपने खेत के अंदर किया और कल भी मैंने दूसरी वीडियो कीटनाशक के ऊपर बना दी, परसों भी एक वीडियो कीटनाशक के ऊपर बना दी, तो ऐसा नहीं करना है कि डेली आपको ये कीटनाशक डालने हैं या 4 दिन 5 दिन के बाद आपको डेली ये कीटनाशक अपने गन्ने की फसल के अंदर डालने हैं। हमेशा ध्यान दें, अगर आज कीटनाशक का उपयोग किया गया है तो कम से कम इस कीटनाशक से और अगले कीटनाशक में 35 से लेकर 40 दिन का अंतर अवश्य रखें। मान लीजिए आज आपने कोई स्प्रे किया तो अगला स्प्रे भी आपको कम से कम 30 से 35 दिन के बाद ही करना है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में स्प्रे कर रहे हैं या 15 दिन में खाद डाल रहे हैं, ऐसा करेंगे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, समय की बर्बादी होगी और फसल को भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। आज आपने खाद दिया, खाद जो है कम से कम 3 से 4 दिन के अंदर कार्य करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, तो कम से कम 25-30 दिन का समय लग जाता है। एक खाद जो है लगभग लगभग 25 से 30 दिन तक अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है। मान लीजिए आपने 20 दिन के बाद दूसरा खाद डाल दिया तो पहले खाद का भी गुण हमारी फसल को लगा नहीं है, पहले खाद की जो ताकत थी वो फसल को मिली नहीं है और आपने दूसरा डाल दिया, तो ऐसा ना करें। कम से कम 35 से 40 दिन का अंतर जो है आप एक कीटनाशक से दूसरे कीटनाशक में, एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे में अवश्य रखें। हाँ, एक काम आपको जरूर करना है कि गन्ने के अंदर नमी बना करके रखें। गन्ने को ऐसा नहीं कि गन्ने को बिल्कुल झकोल करके भरना कि बिल्कुल ऊपर तक आपने भर दिया, गन्ने में नमी बहुत जरूरी है। यदि गन्ने की फसल के अंदर नमी बनी रहेगी तो अच्छे रेट की आपको निकाल करके देगा। और यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि गन्ने में लगातार पानी भर रहे हैं तो उससे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। गन्ने को नमी चाहिए होती है, पानी नहीं चाहिए होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो हल्की हल्की नमी बना करके रखें, 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, अपनी मिट्टी के अनुसार। आपके यहां पर यदि रेतीला खेत है तो 10वें दिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मोटी मिट्टी है तो हो सकता है 15 दिन में पानी की आवश्यकता पड़े। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जून के महीने के अंदर सर्वोत्तम तीन कार्य कौन कौन से हैं जो हमें करने चाहिए, और यदि इन कार्यों को हम कर लेते हैं तो गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। सबसे पहला, आपको इस समय पर फंगस का ज्यादा ध्यान देना है। इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है, तो अपनी फसल के अंदर किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। फंगिसाइड का उपयोग करेंगे तो फसल हमारी फंगस से बची रहेगी, और जब फंगस नहीं लगेगी, टॉप बोरा, स्टीम बोरा या फिर तना छेदक, इस तरह के रोग हमारी फसल के अंदर नहीं लगेंगे तो फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और हमें भी अच्छा मुनाफा निकाल करके देगी। दूसरा कार्य जो आपको करना है, जून के महीने में भी आपको अपने गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है। अब ऐसा ना करें, जिन किसान भाइयों ने मिट्टी नहीं चढ़ाई है वे सोचे कि 15 दिन बाद और लेट करेंगे हम तो उसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले महीने से जो है जैसे हमारा मानसून आ जाएगा तो मानसून आने के बाद किसान भाइयों फिर आप मिट्टी नहीं चढ़ा पाएंगे, उससे सिर्फ आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो समय रहते हैं आपको अपने गन्ने की फसल के ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी है, और मिट्टी चढ़ाने से पहले कौन कौन से खाद डालने हैं उनके लिए वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो को आप देखें, पहले खाद डालें फिर मिट्टी चढ़ाएं। ये दोनों कार्य आपको बहुत समय से अपने खेत के अंदर करने हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अभी हमारा मानसून आने में थोड़ा सा समय बाकी है, तो जिन किसान भाइयों के पास बिजली की व्यवस्था नहीं है या फिर वो इंजन से भराई करते हैं या कोई भी उनका तरीका है, तो खेत के अंदर सताव ना आने दें। यदि गन्ने के अंदर सताव आएगा, गन्ने के अंदर नमी टूट जाएगी, तो कोई भी आपने ग्रोथ प्रमोटर डाला हो, कोई कीटनाशक डाला हो या फिर आपने कोई भी स्प्रे किया हो, उसके अच्छे रेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि नमी लगातार बना करके रखनी है। 1 से 2 दिन के लिए नमी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक यदि आप नमी तोड़ेंगे तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जिसकी जो टाइम पीरियड है मान लीजिए 90 दिन का रिजल्ट देता है और नमी आपने तोड़ दी तो मात्र 45 से 50 दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। कोरोजन का उपयोग आपने गन्ने की फसल के अंदर किया तो कोरोजन का मान लीजिए जो इसका रिजल्ट है वो 90 दिन का है या फिर 100 दिन का कोरोजन का रिजल्ट है, वो नमी खेत की टूट जाती है तो ये भी 40 से 45 दिन में ही बेकार हो जाएगी, फिर आपको दूसरे कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। तो इन तीन बातों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, बहुत ध्यान रखना है। नमी बिल्कुल नहीं टूटने देनी है, नमी टूटने से 2 नुकसान होंगे, ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी और हमारे कीटों जो हमारे कीटनाशक है या ग्रोथ प्रमोटर है उनका रिजल्ट भी डाउन हो जाएगा। तीसरा, मिट्टी जरूर चढ़ा दें। यदि मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो आपको नुकसान होगा। मिट्टी चढ़ाने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं, गन्ना मोटा होता है, टिल्लिंग भी अच्छे से होती रहती है और गन्ना आसानी के साथ नीचे
नहीं गिरता है। तो कई सारे फायदे आपको मिट्टी चढ़ाने से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर बनाई है। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।